रिजिमा अच्छे से करो, इरा को कॉपी करो अच्छे से करो, राइट लेफ्ट राइट, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल, यस वेरी गुड। हंसते हंसते निकल गया पूरा इनका दम, हमसे पंगा लेने वाले हो जाएंगे कम। गौरव ये क्या मजाक है? गौरव मैंने क्या किया? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? इसमें समझने वाली क्या बात है? गौरव मुझसे उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना। कोई आप दोनों से मिलने बाहर आया? आप यहां आए किस लिए? बिना देर के बोलिए। मेरा नाम डीके है, ये आप दोनों के लिए इनविटेशन है, एक कंपटीशन के लिए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैसा कंपटीशन? ये बॉक्स खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। एक ग्रैंड प्राइवेट डांस कंपटीशन में आपको इनवाइट किया जाता है। जीतने वाले को 10 करोड़ मिलेंगे। जगह का पता और बाकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर पड़े छोटे बॉक्स में है। छोटा बॉक्स अपने आप तीसरे दिन खुलेगा, इससे पहले इसे खोलने की कोशिश बेकार है। क्या सम्राट को भी बुलाया होगा इस कंपटीशन में? सम्राट को फोन नहीं करूंगा, अगर उसे नहीं बुलाया होगा तो मेरे कॉल से वो भी वहां पहुंच जाएगा। 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं कोई? क्या मैंने सही सुना? सच में कोई ऐसा कंपटीशन होगा, डांस कंपटीशन, वो भी 10 करोड़ के लिए? जल्दी चलो गर्ल बॉयज, जल्दी चलो, इरा जल्दी आओ जल्दी, ये कंपटीशन हमें किसी भी हालत में जीतना है। यस मैम, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। अब ये कौन आ गया? सम्राट, लगता है ये भी अभी इस कंपटीशन के लिए आया है। चलो गाइस, लुक एट द एटीट्यूड। हाय गाइस, गौरव कैसा है तू? अच्छा हूँ, मगर आप यहाँ आए किस लिए? जिस पर्पस से हम आए उसी लिए। तुम लोगों ने सोचा होगा कि सम्राट अगर इस कंपटीशन में नहीं आएगा तो ये कंपटीशन आसान हो जाएगी। क्यों? ये देखो,
इस कंपटीशन का इनविटेशन मुझे भी मिला है। इतनी आसानी से 10 करोड़ रुपए छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। हेलो गाइस, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप सबको अपना टैलेंट दिखाने का बराबर का मौका मिलेगा और आप सब लोग 10 करोड़ के बराबर के हकदार हैं। शीश महल में आप सबका स्वागत है और ये है इस डांस इवेंट की ऑर्गेनाइजर अन्वेषा जी। आइए आप सब वहाँ। ये तो बताइए कि ये कंपटीशन है क्या और होगा कहाँ? Exactly. ना यहाँ कोई स्टेज है, ना कोई मीडिया, आखिर हो क्या रहा है? ये एक प्राइवेट कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मीडिया कवरेज नहीं होगा। ये तो बताइए कंपटीशन हो किस तरह का रहा है? कंपटीशन के बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो इन कार्ड्स पे लिखें और साथ में चाबियां भी हैं। सो गाइस, हम लोग लंच के लिए आधे घंटे बाद मिल रहे हैं और क्योंकि कल तुम्हारे कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है, इसलिए तुम्हारे पास तैयारी का बहुत ही कम समय है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चलिए मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेके चलता हूं। गाइस, यू कैरी ऑन। गुड। बेकार में ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि कंपटीशन तो कौन जीतने वाला है? हम नाचेंगे भी हम। अरे मैडम, नचाएंगे भी हम। सब लोग देखते रह जाएंगे और ये कंपटीशन जीतेंगे हम। गुड गुड गौरव, वेरी गुड। थैंक यू। वैसे तुम भूल गए हो कि अपनी अकेडमी की सबसे बेस्ट डांसर मैं थी, ओके? और स्टेज पे नचाएगा कौन, नाचेगा कौन, वो तो वक्त ही बताएगा, ओके? गाइस, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें पता था कि तुम्हें आज रिहर्सल में होना चाहिए था और तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो। मैम, ये ड्रेस इतनी टाइट है, मैं ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पा रही, मैं बस आप ही ठीक करा के आई। ईरा, यू आर माय बेस्ट स्टूडेंट, यू नो ना? आई नो। सो बेबी, गो एंड चेंज। डोंट वरी मैम, ये कॉम्पिटिशन हम जीतेंगे। That's like a good girl. अगर मोहिनी के ट्रिप में रिया नहीं होती तो हमारी जीत पक्की होती। चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। चलो, कम ऑन। हाँ, मिलेगा अजय। बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ईरा कल रात से यहाँ से चली गई है। What? मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से फोन आया था कि मैं घर जा रही हूँ अपना सारा सामान लेकर, अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो फोन का सिग्नल ही नहीं मिलता। You're right, ma'am. उसकी नियत पहले से ही खराब थी। तारा, आई थिंक हमें फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, या कम ले सिट। वाओ, आई रियली लाइक्ड इट, कमाल का परफॉर्मेंस था आपका। रुक जाइए, ये सारी की सारी डांस हमारे स्टेप्स को कॉपी करी गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाच, बकवास कराइए, झूठ बोल रही है, ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है। ये सब क्या
कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोग ऐसे झगड़ा करोगे तो मैं अभी के अभी ये शो बंद करवा दूंगी। झूठ ये बोल रहा है, ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है, तो रहेंगे। मेरा टूप मेरे बगैर ही परफॉर्म कर लेगा और जीत कर दिखाएगा। 10 करोड़ लेकर आना। मैडम बाहर कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं आपने उन्हें डांस कंपटीशन में इनवाइट किया है। व्हाट रबिश! लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। अरे भाई साहब, इस इवेंट का इनविटेशन हम लोगों को भी मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों को यहाँ पे पहुंचने में थोड़ा देरी हो गई है ना। कोई बात नहीं, जयाजी इनविटेशन ले आओ और साहब को दिखाओ। ओ जयाजी, ये तो गया काम से। जयाजी होश में आओ, मुझे तुम पर दया आ रही है जयाजी। ओह माय गॉड, इनविटेशन ला रहा है हमारे पास इनविटेशन। क्या? दिखाओ साहब को, तसल्ली कर लो जैसे जी चाहे। वैसे भी हम लोग, हमारा ग्रुप जो है, बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता कहीं पे। मैंने तो इन्हें दिया नहीं था मैम, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? ये सड़क पे पड़ा हुआ, शायद आपकी जेब से गिर गया होगा। नॉट बॉय। अरे भाई साहब, ये कुरियर से आया है हमको। हाँ पता नहीं मैम, लेकिन मैम ये इनविटेशन कार्ड तो अपना ही है। ठीक है, आप लोग आइए अंदर। हे मैन, क्या नाम तुम्हारा? डीके। हम लोग को घूमने का बहुत शौक है, तो डांसर को क्या नाम घूमते रहना चाहिए। इस महल में घूम सकते हैं जहां हमारा मर्जी करे। रॉकी साहब, आप यहां डांस करने आए हैं ना, तो डांस पर ही ध्यान दीजिए। ज्यादा घूमेंगे तो गुम हो जाएंगे। ठीक है, सुनिए, यहाँ हॉट वाटर तो आता है ना? यू सी, हमें ठंडे पानी से एलर्जी है। ओके ये फोन कहाँ है? मुझे अपने लिए चाय मंगानी। यहाँ कोई फोन नहीं है ईशा जी, लेकिन जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या नेटवर्क भी नहीं आ रहा है? ये क्या मुसीबत है गाइस? शीश महल के अंदर और बाहर सेलफोन काम नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए तो वो कॉल बेल दबा देना। मैं कुछ लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए खाने को। यहाँ पर भी फोन नहीं है, ये कैसा रूम है? Rocky likes it, loves it. इतना टैकी पुराना फर्नीचर। गद्दा तो देखो, हैं? I don't like the beds. Soft नहीं है। Oh, sorry. Yeah. यहाँ पे कितनी जगह है अपने कपड़े अपने सब स्टोर करने के लिए, मैं सारे अपने कपड़े। यहाँ पर एक फैन भी नहीं है। I think AC होगा। Look at the sofa, man. यहाँ पे रहने में मजा आएगा। इस कमरे में माइक्रोफोन और कैमरा तो दिख नहीं रहा है। अब हम इस जैसी, नेहा, ईशा और रॉकी के कैरेक्टर से बाहर आ सकते हैं। हाँ सर, उस कमरे में भी कोई कैमराज नहीं है, यानी अब हम पर कोई नजर नहीं रख रहा है। मगर हमें उन पर नजर रखनी होगी। सविता जी की बेटी ईरा को ढूंढना है हमें। सर, सर मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। एक मिनट मैम, एक मिनट प्लीज, अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? सर मेरी बेटी ईरा, वो फेमस डांसर मोहिनी के ग्रुप में लीड डांसर है, और वो मोहिनी के साथ में किसी प्राइवेट डांस कॉम्पिटिशन के लिए गयी थी। तो क्या हुआ वहाँ? ईरा का मुझे सुबह 4 बजे कॉल आया था, और वो कह रही थी किसी चेहरा छुपाए हुए आदमी या औरत ने उसे किसी कमरे में बंद करके रखा और उसे बहुत मारा भी है सर। और क्या बताया आपकी बेटी ने उसके बारे में? वो कह रही थी कि हमला करने वाला कोई आत्मा जैसा दिखता है। अच्छा, और कुछ?
बस इतनी बात हुई और फिर कुछ पीछे से आवाज आई और फोन कट गया। अच्छा ये बताइए कि ये कंपटीशन करवाया किसने था, कुछ तो पता होगा उसके बारे में। हाँ सर, ये लेटर आया था मोहिनी और उसके दोस्त गौरव के पास। शीश में क्या 10 करोड़ रुपए का प्राइज मनी, 10 करोड़ रुपए का एक डांस कॉम्पिटिशन के लिए? बकवास है ये, बकवास। सर हमें जल्द से जल्द इस शीश महल में जाना चाहिए। आ दया, मगर भेस बदल कर। सर ईशा तो गायब थी पर वो दूसरा डांसर गौरव वो भी कहीं चला गया है। हमें जल्द से जल्द इस डांस कॉम्पिटिशन का पर्दाफाश करना होगा। शेयर, किसी को पता ना चले बग्स और कैमरास सही जगह पे लग जाने चाहिए। वैसे आप लोग कौन हैं? मैंने वैसे भी कभी इस डांस इंटर ग्रुप का नाम तो सुना ही नहीं। आप दिखता होशियार है मगर बात होशियारी वाले नहीं करता है। अब इतना बड़ा नाम हो ही नहीं कि लोग जान सके हमें। वैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? डांस कंपटीशन में उतरो, डांस करके दिखाओ। रॉकी डांस करता है और किसी से नहीं डरता। नहीं होगा लेकिन तुमने जिद की चलो चलो चलो। बेबी प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट दिस टाइम। अभी तुम प्रैक्टिस करो। आई नीड अ ड्रिंक, मुझे पानी वानी कुछ चाहिए। आई एम जस्ट टू टायर्ड बेबी। बेबी हार्ड लेट मी, जस्ट लीव मी अलोन। जेसी गाइस क्यू कैरी ऑन। ईशा हाय। हाय। तुम बेकार में इतना स्ट्रेस ले रही हो। बहुत इजी स्टेप्स हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारी राइवल हूं ना, तुम मुझे सिखाओगे? ईशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये बहुत इजी स्टेप्स हैं और मैं ये राइवल वाइवल नहीं मानता, समझी तुम? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। हाय प्रिंसेस, आई एम जैजी। जैजी नो प्रिंसेस। व्हाई नो प्रिंसेस? I mean, look at you. Look at her. She's looking so pretty. You look like a doll, darling. That's why you're a princess. Enough, Jess. ये बताओ कि क्या काम है? The dress of your designer. I mean, look at your dress. It's so amazing. देखो, I mean, I'm in love with it. मेरी sister है. उसके लिए मुझे एक dress सिलानी है. Please, please give me the number of your designer. Please. Excuse me. Ma'am, India से नहीं है. तो उनका designer भी India में नहीं रहता है. Ma'am, India से नहीं? Right. Ma'am, where are you from? कहाँ से हुआ? मैं सबेल से हूँ। It's my island. और कुछ पूछना है? आप सबेल से? You have your own island? सर अन्वेषा का कहना है कि वो किसी साबेल आइलैंड से आई है और वहां की राजकुमारी है, और तो और ये भी कहती है कि बीजा नाम के देश में एक आइलैंड है, उसने एक किला बुक करवाया सर शादी के लिए। जयवंती एक काम करो। यस सर। देखो पता लगाओ इस अन्वेषा की बातों में कितनी सच्चाई है। यस सर। सचिन जरा सोचो, इस अन्वेषा ने सिर्फ सिर्फ इन तीनों ग्रुप को ही क्यों बुलाया? तीनों ग्रुप को ही क्यों? वही तो सर,
मुंबई में कितने कोरियोग्राफर्स हैं, कितने सारे डांस ग्रुप हैं, उन्हें क्यों नहीं? वही तो सर। सर ये अन्वेषा कौन है और कहां से आई है इस बात का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन सर जिस जिस जगह का इसने नाम लिया है वो ना ही कोई आइलैंड है और ना ही कोई देश है, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे शहरों के नाम है। तो सर किसी किले में शादी की बुकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सर सर मोहिनी, गौरव और सम्राट, ये तीनों एक ही डांस एकेडमी में डांस सीखते थे। ये लो, है ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस अन्वेषा के 10 करोड़ के प्राइज मनी में। ये कॉम्पिटिशन उसने सिर्फ इन तीनों के लिए रखी है, मोहिनी, सम्राट और गौरव के लिए। क्या नाम है इस डांस एकेडमी का? ये कंपटीशन का दूसरा राउंड है और इसमें हमारी वाई कार एंट्री जैजी और उनका ट्रुप भी परफॉर्म कर रहे हैं। और अब मैं हमारी तीनों टीम का वेलकम करती हूँ फॉर अ रॉकिंग साल्सा परफॉर्मेंस। ये एक मिनट, कहाँ चली मोहिनी? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। ये मोहिनी कहाँ जा रही है? जरा देखो, पूरे पंकज नजर रखो, इस पे जाओ। सर थोड़ी देर रुको ना सर, मुझे आपका डांस देखना है। मेरा डांस देखना है? हाँ। इसी में से आपका डांस देखोगे? पंकज लाइव फीड के लिए आईपैड यूज करना। हमने सब जगह स्पाई कैम्स फिट कर रखे हैं, कुछ भी मूवमेंट होगी हमें पता चलेगी। अच्छा, अब तुम्हारा सैटेलाइट फोन है तुम्हारे पास? हाँ है। ओके, तुम उस तरफ जाना होता देखती हो। ओके। नेटवर्क जैमर लगा के रखे ताकि मोबाइल में नेटवर्क ना पकड़े। पंकज ने हमें इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? सैटेलाइट फोन पे पंकज ने बताया कि पूर्वी गायब हो गई है। हाँ पंकज, तुम तो साथ में थे ना पूर्वी के, तो कहाँ गई वो? सर हम लोग गौरव और ईरा को अलग अलग ढूंढ रहे थे सर। ओह, लगता है उस मुजरिम ने पूर्वी को गायब कर दिया। सर और हमने जहाँ जहाँ कैमरा फिट किए थे सर उसमें भी पूर्वी नहीं दिख रही सर, ये देखिए। सर अब तो इस डीके तारा और अन्वेषा से पूछ ही लेते हैं। नहीं, हम उनके सामने नहीं जा सकते हैं, हमारे पास उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो मुजरिम हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक काम करो, तुम लोग दोनों यहाँ देखो, मैं बाहर जाके चेक करता हूँ। मोहिनी, सम्राट और गौरव, ये तीनों तो 2006 में हमारी एकेडमी के स्टार स्टूडेंट्स रह चुके हैं। ये लीजिए सर। अरे, हर फोटो में इन तीनों के साथ ये लड़का कौन है? सर इन तीनों का काफी अच्छा दोस्त लगता है। हाँ, प्रिंसिपल साहब, ये लड़का कौन है इन तीनों के साथ हर फोटोग्राफ में? टोनी नाम है इसका, इनका बैचमेट है। ये इनसे बेहतर था, लेकिन एक कैंपफायर पार्टी के दौरान शराब के नशे में उसका एक्सीडेंट हो गया।
ये एक चट्टान से गिर गया और कोमा में चला गया। ये न्यूयॉर्क जाने वाला था, इसको लॉ स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इसकी जगह ये तीनों न्यूयॉर्क चले गए। सचिन, इस टोनी के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, एक एक इंफॉर्मेशन। हेलो, क्या पूर्वी गायब हो गई? बदबू कैसे? पानी तो नहीं हो सकता, ये शायद एसिड है। पर ये एसिड इतना यहां कैसे इकट्ठा हो गया? लगता है यहां किसी को मार के एसिड में गला दिया गया है। सर, सर हमने हर जगह देख लिया, पूर्वी कहीं भी नहीं है। सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर, सर ये तो दांत है सर। ये एसिड है पंकज, खूनी ने किसी इंसान को इस एसिड में गलाकर मार दिया। सर मतलब गौरव, वीरा और पूर्वी, ये ड्रेनेज आउटलेट कहां से निकलता है ये देखना पड़ेगा, पता चल जाएगा ये एसिड यहां कहां से आया है। यस सर। मैम, डॉक्टर हार्दिक कहां पर मिलेंगे? जी डॉक्टर हार्दिक, मैं एसीबी प्रद्युमन, सीआईडी से। जी कहिए। देखिए डॉक्टर हार्दिक, 2006 में ये टोनी नाम का लड़का आपके यहाँ एडमिट था, चट्टान से गिरा था, यहाँ पर एडमिट था, उस दौरान उसके पिताजी गुजर गए तो उसे चैरिटी वार्ड में रखा था। चैरिटी वार्ड? लेकिन वो तो 2010 में पूरी तरह से जल गया। क्या? और उसमें कुछ पेशेंट भी मर गए थे। ये टोनी रिडिक, जल के मरने वालों की लिस्ट तो होगी ना आपके पास? ये आउटलेट तो शीशमहल के अंदर से आ रहा है। चलो हमें चलते हैं। ये देखिए, कोमा पेशेंट टोनी। सर मरने वालों की लिस्ट में टोनी का नाम भी है सर। मतलब टोनी भी मर गया? तो फिर सचिन, ये मोहिनी, गौरव और सम्राट, उनके पीछे कौन पड़ा है? सर कहीं टोनी का कोई रिश्तेदार तो नहीं? एक मिनट, सर एसिड के इतने बड़े बड़े हांडे। सर हमने जितना सोचा था ये खेल तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतने सारे हथियार पड़े हैं यहाँ पे। <स्थ
खोलो से। तुम ठीक हो? हाँ सर। तुम वहां से यहाँ कैसे आ गए? पंकज, जब मैं मोहिनी का पीछा कर रही थी तो अचानक किसी ने मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गई, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ थी। और वो ईरा और गौरव, उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है सर? सर ये देखिए, आदमी औरत के जूते, सर ये एक्सेसरीज, सर ये तो डांस के कॉस्ट्यूम का हिस्सा है। हाँ, वो जो गली भी हड्डियां और दांत के टुकड़े मिले थे हमें बाहर, वो शायद ईरा और गौरव के ही थे। मतलब सर, खूनी ने ईरा और गौरव को? हाँ, उस मुजरिम ने उन दोनों को मारकर उनकी लाश को यहाँ इस एसिड में गला दिया ताकि लाश का नामो निशान ना मिले। पूर्वी, तुम यही रुको और ये गन रखो अपने पास, जरूरत पड़ी तो ही चलाना। एसीपी साहब, हेलो। हाँ सर। क्या? अब हमारा फाइनल राउंड है, और इस फाइनल राउंड में किसी एक डांस ग्रुप की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, और हार और जीत का फैसला हम आज ही करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो आज हमारे सारे ग्रुप्स एक साथ परफॉर्म करेंगे, और हमारे काबिल जजेस अपनी पारखी नजरों से इनमें से एक ग्रुप को विनर ग्रुप अनाउंस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड कैरी ऑन। क्या मिलेगा तुम्हें? खुशी, तसल्ली, सुकून मिलेगा मुझे तुम सबको मौत देकर। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चल जाएगी। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। तो नहीं, छोड़ दे उन दोनों को। छोड़ो हमें, छोड़ दे। तुम्हारी अन्वेषा हमारे कब्जे में है। छोड़ दो अन्वेषा को। अच्छा, अन्वेषा की जान खतरे में है तो इनको मारने का ख्याल छोड़ दे तुमने? मोहिनी जी के स्टाइलिस्ट टोनी, एक मिनट, कहां चली मोहिनी? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूं। और अच्छा, ये टोनी के डेंटल एक्सरे है। ये वाला एक्सरे जब वो चट्टान से गिरा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया गया तब लिया गया था, और ये जब वो जला तब उसके कंकाल के जबड़े से लिया गया। दरअसल इन दोनों एक्सरे को मैच करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि टोनी जलकर मर चुका है। ये दोनों एक्सरे दिखने में तो एक जैसे हैं, एक समान, लेकिन हकीकत में दोनों एक्सरे एक जैसे हैं नहीं। इसमें ये देखो, ये दांत आधा टूटा हुआ, और यहां देखिए, ये जो टोनी का ये वाला एक्सरे जलने के बाद वाला,
इसमें भी ये विजडम टूथ यहाँ पर लगा हुआ है, आधा टूटा हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा बाई तरफ झुका हुआ है। सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बॉस कि ये दांत तो टोनी का है लेकिन किसी और के जबड़े में चिपकाया गया। मतलब टोनी जिंदा है। छोड़ दो मुझे। ले, छोड़ दिया। तीनों दोस्त थे मेरे, लेकिन मेरे हुनर, मेरी काबिलियत से चलते थे वो। इन्होंने तो मुझे मार ही डाला था। बेटा, मिल गई तुझे तेरी मंजिल। लेकिन मैं बच गया। कितने सालों तक कोमा में रहा मैं। मेरे आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी मंगेतर अन्वेषा ने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। और जब हॉस्पिटल में आग लगी तो इसी ने मुझे वहां से निकाला था। मैंने ही पैसे खर्च किए और टोनी के दांत दूसरे जबड़े में फिट करवा कर उसे मरा हुआ साबित कर दिया था। धीरे धीरे मैं ठीक हो गया और प्लास्टिक सर्जरी से मेरा चेहरा भी बदल गया। भगवान ने शायद मुझे इसीलिए ठीक किया था ताकि मैं इन तीनों से अपना बदला ले सकूं। दोबारा जिंदगी मिली थी तुम्हें ताकि तुम फिर से जिंदगी जी सको, पर तुमने उस जिंदगी का गलत इस्तेमाल किया बदला लेने के लिए। मोहिनी, सम्राट और अन्वेषा, तुम सबके सबको निकालो, सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।